आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। अभी फिलहाल हम हैं सिक्किम के गैंगटोक में और सुबह सुबह तैयार वैयार हो गए हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, अब चलते हैं बाहर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वहां जहां से पूरा सिटी दिखता है, समझ रहे हो? ऊपर से मतलब रोपवे में जाएंगे। सबसे पहले पेट पूजा करनी है, अभी कुछ खाया नहीं है तो चलते पहले खाना खाते हैं। मम्मी जी भी रेडी हो गए, बस वो भी निकल रहे हैं। तो अभी हम रूम से निकल के आ गए हैं यहाँ सड़कों पे, गंगटोक की सड़कों पे, और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वेज खाना जहाँ पे हमको मिल जाए। लेकिन वेज रेस्टोरेंट कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, जहाँ पर भी मिल रहा है ढाबा, वेज नॉन वेज दोनों है यहाँ पे, ऐसे ही मिल रहा है। तो अब यहीं, मम्मी जी चले अंदर यहीं, तो चलो भाई यहीं चलते हैं, देखते हैं। 5-6 रेस्टोरेंट देखा हमने, कहीं पर भी नहीं, हर जगह स्मेल आ रही है नॉन वेज की। इसीलिए जो नॉन वेज लवर है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो आके खूब खा सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ना ढूंढना पड़ रहा है। चलते हैं यहीं हम, चलो ये तो, अरे बाप रे ये कहाँ है, कोई है भाई कि ऐसे ही है? देखो भाई यहाँ के रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं कि एकदम नीचे नीचे। वेज मिल जाएगा ना? क्या क्या मिलेगा? वेज थाली, रोटी कौन सी रहेगी? अरे बाप रे, हंसी आ रही है। हम लोग ठहरे रोटी खाने वाले, यहाँ रोटी मिल ही नहीं रही, चावल मिल रहा है, मस्त व्यू आ रहा है। मम्मी जी खड़े होके यहाँ से व्यू देख रहे हैं, ये देखो, ओ एम जी मस्त वाला, आज देखने को मिला नहीं मम्मी जी, कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे हाय मम्मी जी का। तो भाई यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम चावल खा के हमारा दिन नहीं चलने वाला है, हमको रोटी ही खाना है। तो हम जा रहे हैं किसी और रेस्टोरेंट में, ढूंढेंगे थोड़ा सा और, लेकिन खाना रोटी ही है, कुछ भी हो, तंदूरी नहीं मिलेगी, तवा रोटी मिलेगी। देखिए इधर वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबा है, लेकिन उसमें बार भी है, वेज नहीं है। फाइनली अभी हमको एक ये मिला है, तो इसमें हम जा रहे हैं और अब यहीं खाएंगे, कुछ भी हो। चलिए मम्मी जी आगे चलिए, इधर कोई है ही नहीं। ये देखो यहाँ आपको हर रेस्टोरेंट में ये कॉमन है यहाँ पे, तो इसको देख के कोई कुछ बोलेगा नहीं। बैठिए मम्मी जी यहीं पे। कहाँ गया? मटर पनीर एक करेंगे और रोटी, रोटी 25 रुपए की। तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी? फाइनली हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, पेट फुल हो गया है। ये आ गया है हमारा बिल, देखते हैं कितने का है। ये देखो 798, 798 रुपये का। भाई बहुत महंगा खाना है यहाँ का। खाना खाने के बाद ये देखो सौंफ खा रहे हैं, ये ऐसे लग रही जैसे हमारे यहाँ स्वीटी सुपारी होती है, इसका टेस्ट कुछ वैसे ही आ रहा। फिलहाल खाना वाना खा लिए, अब जा रहे हैं हम रोपवे में। और ये देखो सामने यहाँ पे दिख रहा है रोपवे, यहीं से जाता है इधर से ऐसे इधर करके, मतलब ऊपर से पूरा सिटी दिखेगा। और रोपवे कहाँ पर है? देवराली में, जहाँ पे हमारा रूम है, होटल, होटल से हमारे बहुत पास में ही है, बस खाना ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। अगर आपको रोपवे का मज़ा लेना है तो आप देवराली आ जाइएगा। फिलहाल हम चल रहे हैं रोपवे में, बैठेंगे और उड़ जाएंगे, है ना मम्मी? ये देखिए यहाँ से जाता है रोपवे, ये वाली बिल्डिंग से इधर से, और ये रोपवे जाने का रास्ता सीढ़ियाँ इतना चढ़ चढ़ के ऊपर, ऐसे ऐसे हम ऊपर जाएंगे। मम्मी चल लेंगी इधर से? पूरा पहाड़ चढ़ के आ गए, नहीं जा पाएंगे, चलिए। हमारे यहाँ एक सब्जी होते लाल लाली लागत, वही है, तोड़ के लाई जाए बना खाई। ये देखिए एक रोपवे जा रहा है। तो फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी टिकट मिल गई है। देखिए 3 टिकट है और एक टिकट है 146 रुपए की। और यहाँ पे जब आप रुकवे से आपको जाना हो तो यहाँ का टाइमिंग जो है मॉर्निंग के 10 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक है। तो टिकट मिल गई है, फटाफट चलते हैं जहाँ से हमको उड़न खटोले में बैठना है। चले मम्मी जी, देखो मम्मी जी खुश हो गई। हमको 4th फ्लोर पे जाना है, अभी ऊपर से आ रही है लिफ्ट। चलिए मम्मी, हम लोग रोपवे में बैठ गए। मम्मी डर तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 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 नहीं। अब दिखे गए पूरा, डर नहीं लग रहा है, मस्त।
हमको लगा था यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ उतरेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ देखेंगे उसके बाद वापस जाएंगे, लेकिन ऐसे ही वापस जा रहे हैं। सब नहीं, ऐसा लगा था कि कुछ गार्डन वगैरह होगा, कुछ भी नहीं है, सबको ऐसा लगा था। हम लोग अब वापस जा रहे हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। बाय बाय। वही रोपवे से होके आ गए हैं। 146 रुपए में जाना आना था। हमको लगा कि वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ पार्क वार्क होगा, वहाँ हमको उतार देंगे, थोड़ी देर हम वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। हमको नहीं, जितने लोग बैठे थे सबको यही लगा था, लेकिन वहाँ पहुँचे और वो रिवर्स आ गया। तो भाई मज़ा आया। हम तो पहली बार नहीं बैठे, दो तीन बार बैठ चुके हैं। मम्मी जी को काफ़ी मज़ा आया। अभी मम्मी जी लिफ्ट से गई हैं, हम पैदल पैदल सीढ़ियों से जा रहे हैं। और एक चीज़ बताएं, मम्मी जी को मज़ा आया इसलिए फुल पैसा वसूल नहीं तो पैसा। अरे कितना किट किट कर रहे यार। देखो ये पूरा लोहे का बना है, लोग उतर रहे हैं तो जैसे लग रहा है तोड़ते तोड़ते आ रहे हैं। ये देखो यहाँ रेस्टोरेंट भी है, लेकिन हमको यहाँ नहीं जाना है, हमको इधर जाना है। हैं हैं, ये तो बंद है। मम्मी वहाँ बैठी है, हम किधर से जाएंगे? ये नाइंसाफी है हमारे साथ। मतलब जो लोग लिफ्ट से आए वो डायरेक्ट अंदर, और हम लोग इधर से एग्जिट मारे तो एकदम से एग्जिट हो जाएं। और यहाँ से देखो क्या मस्त दिख रहा है। अभी हम रोपवे से दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से दिखा रहे हैं। कितना मस्त लग रहा है, वहाँ जाने का मन कर रहा है वहाँ पे। मम्मी कैसा लगा? मज़ा आया। मम्मी जी को हम लिफ्ट से भेज दिए थे, हम लोग कितनी सीढ़ी उतर उतर के आए पता ही नहीं, खूब सारी सीढ़ियाँ उतरना पड़ा। चले हम, चलो भाई। मम्मी जी ये कह रही हैं कि मम्मी जी पहले बहुत डर रही थी कि हम ऊपर से देखेंगे, हमको डर लगेगा, मतलब ऐसा सोच सोच के डर रही थी, लेकिन जब रोपवे में बैठी ना, बिल्कुल डर वर नहीं लगा, मस्त एकदम हंसते हंसते मम्मी देख रही थी, अरे ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है। मज़ा आया, चलो फुल पैसा वसूल हो गया, मम्मी जी को अच्छा लगा। और अभी फ़िलहाल हम अपनी चाय ख़त्म करते हैं और अपनी इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी हम जा रहे हैं, हमको कल जाना है नाथुला पास, तो उसके लिए टैक्सी वगैरह पता करनी है, तो यहाँ से वॉक करके जाएंगे नीचे, वहाँ पे पता करेंगे कैसे क्या है। हम सोच रहे हैं यहाँ शेयरिंग में भी मिलती है और बुक करके भी, तो हम सोच रहे हैं कि बुक करके जाएं, जिससे कि मम्मी जी को प्रॉब्लम ना हो। जब हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।